विधानसभा घेरने के लिए जोगी कांग्रेस निकलेगी। तो जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फिलहाल रोका है और एक्सप्रेस वे के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। बता दें कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान झूमा झटकी भी देखने को मिली है। तो बड़ी खबर, रायपुर से विधानसभा घेरने के लिए जोगी कांग्रेस निकली है। आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता घेराव के लिए निकले थे उनको फिलहाल पुलिस ने रोका है और एक्सप्रेसवे के पास बैरिकेडिंग इस वक्त लगाई गई है उनको रोकने के लिए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ मौके से मौजूद है। गौरव, इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, कहां तक अभी ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुराना बस स्टैंड से ये पूरी जो विधानसभा घेरने का इनका वो था, प्लान था, वो शुरू हुआ था और इस वक्त इन्हें एक्सप्रेस वे के पास रोका गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बीजेपी के जो माफ़ कीजिएगा जो जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमित जोगी, वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ ही साथ जोगी कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस के साथ यहाँ झूमा झटकी भी हो रही है। और पुलिस यहाँ पर उनको, पुलिस ने इन्हें यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका है। ये बैरिकेटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगाई गई है और अभी भी यहाँ पर जो धक्का का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झूमा झटकी भी हो रही है। हमारे साथ ऋचा जोगी जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग विधानसभा घेरने निकले हुए थे भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है सक्सेस हो पाया आप लोग का? ऑफ कोर्स सक्सेस है, लेकिन रोका जा रहा है, चोटें भी आई हैं, लेकिन हम खुश हैं कि कम से कम हमने कोशिश करी और इन लोगों को, इनको, इनकी ताकत का जवाब हमने ताकत से दिया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जोगी कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, लेकिन आज का ये जो प्रदर्शन है वो 2023 के लिए आप लोगों को एक बार फिर से एग्रेसिव मोड में लाएगा? ऑफ कोर्स लाएगा जी। जो बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ एक बैरिकेटिंग, इसके बाद और बैरिकेटिंग, क्या लगता है ये आप लोगों को रोकने की कोशिश है या फिर दबाने की कोशिश की जा रही है? दबाने की भी कोशिश है, रोकने की भी कोशिश है और सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि जब जोगी एक्टिव होते हैं तो बहुत एग्रेसिवली एक्टिव होते हैं और दे कम विद बल्क, दैट इज व्हाई दे हैव टू बैरिकेड्स। देखिए ये थी ऋचा जोगी, जिन्होंने बताया कि ये जब भी जोगी आते हैं तो इसी एग्रेसिवनेस के साथ आते हैं और ये भीड़ देख सकती हैं कि सभी जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा आक्रोश है और ये सीधे विधानसभा घेराव के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर पुलिस को भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है इन्हें रोकने के लिए। बार बार जो कार्यकर्ता है वो अचानक एग्रेसिव होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बड़ा तो बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे लेकिन फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी और तस्वीरों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं।